वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल युवान एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का जो पांचवा चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, उसका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैप्टर में ईस्वी ज़्यादा यूज हुआ, इसलिए थोड़ा आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा इस सारे क्वेश्चन को, क्योंकि ईस्वी में कन्फ्यूजन होता है किसका क्या होगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ही ईस्वी यूज किया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? वस्त्र उद्योग से, लोह उद्योग से, खान उद्योग से, परिवहन उद्योग से। तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का स्टार्ट हुआ वो किस उद्योग से हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वस्त्र उद्योग से, याद रखिएगा, किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हारगिव्स, जेम्स वाट। इस चैप्टर में जो छः सात जो है आविष्कार आपको याद रखना है, आविष्कारक और वो कब किस ईस्वी में आविष्कार किया वो दोनों याद रखना है, आविष्कारक और ईस्वी दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार किया था कौन किया था? जेम्स हारगिव्स किया था। कौन किया था? जेम्स हारगिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका ईस्वी याद रखिएगा कि ये कब आविष्कार किया था, 1770 में जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारगिव्स ने किया था। कब किया था? 1770 में, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, जॉन के ने, अब्राहम डॉर्बी ने। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। कौन किया था? जॉन के ने। तो किस ईस्वी में? इसका ईस्वी भी याद रखिए, इसका भी 1773 में किया था। कब किया था? 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन किया था? तो जॉन के किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने, क्रॉम्पटन ने, हम्फ्री और डेवी ने, जॉन के ने। तो इसका तो सबको पता होगा वाष्प इंजन का आविष्कार कौन किया था? जेम्स वाट ने। ठीक है, इसका ईस्वी आपको याद रखना, ईस्वी याद नहीं होगा 1769 ईस्वी याद रखिए। कब? 1769 में वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या तृतीय या चतुर्थ? तो मजदूरी बोर्ड की जो स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? याद रखिएगा मजदूरी बोर्ड का स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। तो भारत में जो पहला फैक्ट्री कानून बना था वो किस वर्ष में बना था? 1881 में। किस में बना था? 1881 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सात नंबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की जो स्थापना हुई कब हुई? 1920 में हुई। कब हुई? 1920 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखिए कहाँ है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिए, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। कौन? बोकारो। ये कहाँ है? ये झारखंड में। पश्चिम बंगाल में याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुर्गापुर। कौन? दुर्गापुर, दुर्गापुर लो इस्पात उद्योग। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। एक कर्नाटक में याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, वो कहाँ है? कर्नाटक में, विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राउरकेला उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड में बोकारो हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नौ नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई, 1850 में, 1852 में, 1854 में, 1858 में। तो मुंबई में जो सफल जो सूती मिल था उसकी स्थापना कब किया गया, 1854 में। कब किया गया, 1854 में, किसके द्वारा, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कावस जी डावर के द्वारा। किसके द्वारा, कावस जी डावर के द्वारा, कावस जी डावर के द्वारा, ठीक है। तो 1854 में कौन प्रथम सूती मिल, ये इसका जो स्थापना 1851 में भी किया गया था लेकिन वो सफल नहीं रहा था। सफल कब वो पूछेगा, तो 1854 में कावस जी डावर के द्वारा किया गया, कहाँ, मुंबई में। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ की गई, तो मुंबई में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दस नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1948 में, 1858 में, 1962 में, 1965 में। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की जो स्थापना की गई कब की गई, 1962 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ, 1881 में, 1926 में, 1947 में, 1948 में। तो याद रखिएगा भारत में जो न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ वो किस वर्ष में पारित हुआ, तो 1948 में। कब हुआ, 1948 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। अभी जस्ट डिस्कस किए कि दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में कौन हो जाएगा, राउरकेला, राउरकेला, ये उड़ीसा में हो जाएगा। झारखंड में कौन हो जाएगा, आपको बोकारो हो जाएगा। और कौन सा बताए आपको, कर्नाटक में विश्वेश्वरैया हो जाएगा। और क्या, छत्तीसगढ़ में क्या हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा। इतना ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है कि बुर्जुआ वर्ग कहते हैं श्रमिक वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को, मध्यम वर्ग को, व्यापारिक वर्ग को। तो बुर्जुआ वर्ग जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, मध्यम वर्ग को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है किस चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधित्व समाप्त कर दिया गया, 1858 में, 1909 में, 1813 में, 1953 में। तो किस चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया, तो याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको समाप्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, 1967 में, 1770 में, 1773 में, 1775 में। तो याद रखिएगा स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ, 1770 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर, 1770 में। किसके द्वारा पूछेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेम्स हारगिव्स के द्वारा, ठीक है, जेम्स हारगिव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, पावर मूल, सेफ्टी लैंप, वाष्प इंजन, फ्लाइंग शटल। तो जेम्स वाट किस यंत्र का आविष्कार किया, तो वाष्प इंजन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाष्प इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कारखानों की स्थापना कब से शुरू हुई, 1840 के बाद, 1845 के बाद, 1750 के बाद, 1850 के बाद। तो भारत में जो कारखानों की स्थापना शुरू हुई वो 1850 के बाद स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 1850 के बाद स्टार्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ 1838 में, 1831 में, 1918 में, 1932 में। तो इंग्लैंड में जो चार्टिस्ट आंदोलन का स्टार्ट हुआ वो कब हुआ, 1838 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, 1838 में, 1881 में, 1918 में, 1932 में। तो इंग्लैंड में जो सभी स्त्री एवं पुरुषों को जो वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ वो कब हुआ, 1918 में। कब हुआ, 1918 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, 1854 में, 1907 में, 1915 में, 1923 में। तो इसका डिस्कस हम पिछले भी चैप्टर में कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्योग्राफी में बताए हुए हैं ये क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, पटना। तो 1917 में जो पहली जूट मिल स्थापित किया गया वो कहाँ किया गया, कलकत्ता में। कब किया गया ये भी याद रखिएगा, 1917 में कहाँ किया गया, कलकत्ता में, किसके द्वारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए, हुकुम चंद्र के द्वारा, हुकुम चंद के द्वारा 1917 में जो है भारत की पहली जूट मिल कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, 1910 में, 1951 में, 1955 में, 1962 में। तो भारत में जो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई वो कब हुई, 1910 में हुई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 किसने खोली। अभी जस्ट हम डिस्कस किए हुए हैं कि भारत का जो पहला सफल मिल जो था कपड़ा का वो कब स्थापना किया गया, 1854 में स्थापना, कहाँ किया गया, तो बम्बई में स्थापना इसका किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, तो कावस जी नानाजी दाभर के द्वारा, किसके लिए, कावस जी नानाजी दाभर के द्वारा किया गया, कब, 1854 में, बम्बई में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कावस जी नानाजी दाभर के द्वारा किया गया भारत की पहली जो सफल सूती मिल था उसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, भारत से, चीन से, वर्मा से, तिब्बत से। तो रेशम मार्ग का जो प्रारंभ हुआ वो चीन से हुआ, कहाँ से हुआ, चीन से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है कि स्पिनिंग म्यूल किसने बनाया, जेम्स वाट ने, या जॉन के ने, हम्फ्री डेवी में, डेविन, या क्रोमपटन ने। तो याद रखिएगा, स्पिनिंग म्यूल अगर पूछेगा तो वो क्रोमपटन के द्वारा इसका आविष्कार किया, किसके द्वारा, क्रोमपटन के द्वारा, कब, 1779 में इसका स्थापना किया, सॉरी स्पिनिंग म्यूल का जो है आविष्कार किया गया, किसके द्वारा, क्रोमपटन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमपटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है, ये आविष्कार वाला याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में दिया हुआ है, स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन किसने बनाई, रिचर्ड आर्कराइट ने, जॉन के ने, जेम्स हार्गिव्स ने, या जेम्स वाट ने। तो याद रखिएगा, स्पिनिंग फ्रेम का जो आविष्कार किया था, किसका, स्पिनिंग फ्रेम का, वो किया था रिचर्ड आर्कराइट ने, किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट ने। इसका आविष्कार कब किया गया ये भी ध्यान में रखिएगा, 1769 में, 69 में, इसका 69 में किया गया, इससे पहले 1789 में किया गया था उसका। तो इसका क्या हो जाएगा, स्पिनिंग फ्रेम का 1769 में, किसके द्वारा, रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दो चार को याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपको भारी भी लगेगा याद करने में, लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पावर मूल करघा किसने बनाया, जॉन के ने, हार्गिव्स ने, क्रोमपटन ने, कॉर्ट राइट ने। तो पावर मूल जो करघा था वो कौन बनाया था, कॉर्ट राइट ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इस भी नोट कीजिएगा, 1785 में इसका जो है आविष्कार किया गया, कब किया गया, 1785 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, कॉर्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, जेम्स वाट ने, हम्फ्री या डेवी ने, जेम्स हार्गिव्स ने, या जॉन के ने। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये VVR लगा लीजिए, ठीक है। सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो कौन किया था, हम्फ्री और डेवी ने किया था। कौन किया था, हम्फ्री और डेवी ने, कब किया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1815 में इसका आविष्कार किया था, कब किया था, 1815 में, हम्फ्री और डेवी ने सेफ्टी लैंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन जिसको ILO कहते हैं कि स्थापना कब हुई, 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ का जो स्थापना हुआ वो कब हुआ, 1919 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1919 में क्या हुआ था, एक जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और एक रोलैक्ट एक्ट हुआ था। क्या हुआ था, रोलैक्ट एक्ट, वो भी याद रखिएगा, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, इंग्लैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम हुई किस देश में हुई, इंग्लैंड में, ठीक है। और किस उद्योग से प्रारंभ हुआ, तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुआ, इंग्लैंड में। तो 30 क्वेश्चन डिस्कस किए, इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इतना याद कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद।